आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट कॉलेजेस इन लखनऊ फॉर पॉलिटेक्निक के बारे में कि कौन कौन से लखनऊ में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है लखनऊ से। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम आपको 5 से 10 ऐसे कॉलेजेस बताएंगे जहां से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं लखनऊ में पॉलिटेक्निक करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्काई ग्रुप यूट्यूब चैनल जहां पे आपको मिलता है 100% ट्रस्टेड कॉलेज रिव्यूज और भी बहुत कुछ अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको कि आप कॉलेज चूज करने में या फिर अपने कैरियर को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले नंबर पर देखिए जो कॉलेज आता है पॉलिटेक्निक करने के लिए लखनऊ में, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जिसका नाम है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। यहाँ का अगर फर्स्ट ईयर की फीस की बात करें सीएस ब्रांच के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो वो आपका अप्रॉक्स 50,000 पड़ जाता है, मतलब 50,000 के करीब आपको फर्स्ट ईयर का फीस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में, पॉलिटेक्निक में। ठीक है, सीएस ब्रांच में। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वो आपका महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम MUIT के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहां से भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो अगर आप लखनऊ से करना चाहते हो तो। हाँ, और यहाँ पे फीस की बात करें तो यहाँ का फीस काफी कम है, मतलब 46,000 फर्स्ट ईयर का यहाँ पे फीस है। नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो आपका SRM यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर फीस की बात करें तो 62,000 फीस है यहाँ का सीएस ब्रांच का पॉलिटेक्निक में। और नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वो है आपका AIET, जिसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो है आपका आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जहां का फीस काफी कम है, जो कि 47,000 फर्स्ट ईयर की फीस है यहाँ पे पॉलिटेक्निक का सीएस ब्रांच के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो कॉलेज है वो आपका एनी बेसेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ABCEM अगर शॉर्ट फॉर्म की हम बात करें तो। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, यहाँ से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। इन सब कॉलेजेस को आप जरूर विजिट करें, ये सब वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस हैं। काफी रिसर्च करने के बाद यार ये वीडियो बनती हैं, आपको वीडियो तो भले 2 मिनट की मिलती है बट इस 2 मिनट की वीडियो बनाने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलेज आता है जिसको आप परसूट कर सकते हो वो आपका अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन AGI। इसका फीस काफी कम है, फर्स्ट ईयर की फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको 30,000 का फीस मिलेगा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम कॉलेज में जो भी मैं कॉलेजेस अभी आपको बता रहा हूं, ये सब कॉलेजेस में आपको सबसे पहले तो डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपको यहां पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, या फिर इनका कुछ अपना इंटरनल एग्जाम्स होता है या फिर कुछ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहां पे आपको एडमिशन इजीली मिल जाता है पॉलिटेक्निक कोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलेज है वो आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम CEST के भी नाम से जानते हैं। ये सब जितने भी कॉलेज हैं इन सब का मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन जो है जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे वो सब हमने अपनी वेबसाइट skygroup.com पे दे दिया, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। अगर इस कॉलेज की हम बात करें CEST की, ठीक है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ का फर्स्ट ईयर का फीस है आपका 35,000। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। ठीक है, लास्ट जो कॉलेज आता है वो है आपका सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ का फर्स्ट ईयर का फीस है आपका 30,000। तो ये जो सभी कॉलेजेस थे ये वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए, अगर आप लखनऊ से डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो। यहाँ की सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको टेंथ पे भी पॉलिटेक्निक मिल जाता है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, और यहाँ पे आपको बहुत कम फीस में आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो फीस भी यहाँ पे कम है और साथ साथ आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है पॉलिटेक्निक कोर्स में। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए सर्च करें, रिसर्च करें कॉलेजेस का, तो इन सब कॉलेजेस को सबसे पहले विजिट करने की ट्राई करें, सबसे पहले इन सब कॉलेजेस को देखें और इन पे रिसर्च करें, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं, जो कि मैंने रिसर्च किया, मैंने अपने रिसर्च में इन सब कॉलेजेस को टॉप लेवल पे पाया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओवरऑल अपनी रिसर्च जरूर करें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च, खुद के डाटाज को कलेक्ट करें, पहले देखें कॉलेजेस का ओवरऑल रिव्यू देखें। ठीक है, कॉलेजेस का 5 सालों का रिकॉर्ड देखें कि कैसा परफॉर्म कर रहा है कॉलेज, मतलब कि कैसा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे आपको प्लेसमेंट रिसीव है। ठीक है, फिर ही कोई डिसीजन ले। हमारा काम था आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। अगर इन सब कॉलेजेस पे आप पर्टिकुलर रिव्यू चाहते हो किसी एक कॉलेज का तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, तो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खास कर लीजिएगा। जय हिंद।